हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न, इनमें क्या कौन से बुक्स को फॉलो करने हैं, इसका सिलेबस क्या है, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊँगा, आप अगर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी का जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, जब भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो उस एग्जाम के सारे सिलेबस को, उसके एक पैटर्न को, उस एग्जाम में किस तरह के बुक्स को पढ़ने हैं, उनको उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं इसी जानकारी को आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को शेयर करके उन सारे ज़रूरतमंद बच्चों के बीच शेयर कर दें जिसको ये वीडियो की सख्त ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो चार पार्ट में कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटेन एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने होते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, अंत में मेडिकल टेस्ट होगा। और जब आप इस सारे पड़ाव को पार कर जाएंगे तो आप एसएससी जीडी से क्वालिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपके रैंक के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 25 मार्क्स के रीजनिंग होते हैं, 25 मार्क्स के जीके जीएस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स पूछे जाते हैं मैथ से, और 25 मार्क्स पूछे जाते हैं इंग्लिश के। तो आपको पूरी कन्फ्यूजन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको फिर से बता दें, 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके, ठीक है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, और इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है 25 मार्क्स के। पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट्स, यानी कि डेढ़ घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ तक हो गई बात। अब फिर उसके बाद सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराजम्बल, सेनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको देखकर जाने होते हैं। इसके बारे में मैं बुक्स, कौन सी बुक्स आपको इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड पढ़ने हैं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो मैं अभी चर्चा करूंगा। इन सिलेबस को देखने से उतना मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक्स को आप पूरा कर लेंगे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अगर आता है तो आप उसको बना पाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपको पूछा जाएगा साइंटिफिक इन्वेंशन, स्पोर्ट्स से, अवार्ड एंड ऑनर से, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स से, कल्चर संस्कृति से, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, ठीक है, इतने पार्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में। मैथमेटिक्स में आपको पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और एडवांस मैथ्स भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। जनरल रीजनिंग में आपसे जो पूछे जाते हैं, वर्बल रीजनिंग होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो हर कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको चलते हैं लेकर कि आपको कौन कौन से बुक्स को फॉलो करने हैं। रीजनिंग के लिए आपको, रीजनिंग के लिए जब रीजनिंग का प्रिपरेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, रीजनिंग का जो जब जैसे जैसे चैप्टर्स को, रीजनिंग के जितने चैप्टर्स होते हैं, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को किसी यूट्यूब चैनल या फिर हमारे चैनल पर ही रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, रीजनिंग का चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का पूरा थ्योरी, उसके बेस्ट ट्रिक, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट अप्रोच आपको बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रीजनिंग का एक बुक आता है एसएससी रीजनिंग, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप इस वीडियो, आप इस बुक को परचेज कर लेंगे, ठीक है। आप इस बुक में, आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाली बुक को परचेज कर लें, और इन दोनों बुक से क्या करेंगे, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, हर एक चैप्टर वाइज क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे पूरे के पूरे बुक। तो आपको मैं गारंटी देता हूं, जब आप इस पूरे बुक्स को बना लेंगे तो आपको 25 में 25 मार्क्स आने से, लाने से कोई रोक नहीं सकता है। 25 में
25 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस बुक्स को बनाने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, आपको देने ही देने हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात रीजनिंग से। आपको अगर थ्योरीज उसका देखना है चैप्टर वाइज तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। रीजनिंग का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बुक्स मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। आप एक बुक को बार बार पढ़े ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़े। मैं क्या बोला, आप एक बुक को 10 बार पढ़े ना कि 10 बुक को एक बार पढ़े, ठीक है। तो आप एक बुक को ही बार 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 पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, फिर आपका सफलता सुनिश्चित है, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आरएस अग्रवाल की हिंदी मीडियम वाली बुक ले लेंगे, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आरएस अग्रवाल की इंग्लिश मीडियम वाली बुक ले लेंगे। और एक आता है क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव सर की, ठीक है, आप उसको भी लेकर बना सकते हैं। या तो आप आरएस अग्रवाल ले लें या फिर क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव के ले लेंगे। जब आप ये ले लेंगे तो चैप्टर वाइज, फिर से आपको वही बता दें, चैप्टर वाइज जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के पूरे बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रिक और उसके क्या मेथड्स हैं, उसमें क्या थ्योरीज हैं, कितने टाइप है, पहले आप उसको पढ़ लेंगे। अगर आपने पढ़ लिया है तो ये बुक को बना लेंगे पूरा चैप्टर वाइज, ठीक है, इस बुक को आप बना लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से, और मैं ये कहता हूँ कि मैथ्स का भी वीडियो चैप्टर वाइज पूरे डिटेल में जिस टाइप के पूछे जाते हैं उस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर आ रहा है। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप ले लेंगे और इस बुक को पूरा बना लेंगे, दो या तीन बार इस बुक को बना लेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आप इतना कीजिए, उसके बाद डिटेल में वन बाय वन आपको बताते चलेंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, SSC रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले अपने अपने मीडियम से ले लेंगे। मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल की लेनी है और मैथ्स और एक ले, या तो ले सकते हैं राकेश यादव की क्लास नोट्स, ठीक है। इतना आप लेकर पहले मैथ्स और रीजनिंग को देखेंगे। हम देखते हैं जीके जीएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, 25 मार्क्स लाने हैं। अगर इसमें आप मार्क्स गेन करते हैं, इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे आपका रैंक उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आपका कट ऑफ, आपका मार्क्स उतना बढ़ेगा, ठीक है। यही सेक्शन में लोग पिछड़ जाते हैं। तो जीके जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक लुसेंट की पतली सी बुक आती है जो कि सबको ही जानते होंगे इस बारे में, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाली बुक ले लेंगे लुसेंट की। उस बुक को पूरा पढ़ जाएंगे दो या तीन बार। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे चैनल पर लुसेंट का पूरा कंटेंट, लुसेंट का पूरा कंटेंट आप लोगों के लिए पूरे अच्छे से समझा कर लाएंगे हम। आप उस वीडियो को एक बार देख लें और सुन लें, दो या तीन बार जब देख या सुन लेंगे तो पूरा का पूरा लुसेंट आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, जब लुसेंट का आप एक जनरल नॉलेज वाली बुक ले लेंगे, इसी के पीछे जनरल साइंस का भी पार्ट होता है, आप वहां से भी जनरल साइंस कर लेंगे, या फिर अगर आपको डिटेल में करना है तो लुसेंट की ही जनरल साइंस की एक बुक आती है, वो बुक लेकर आप साइंस को देख लेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे चैनल पर जीके और जीएस लुसेंट की कराई जाएगी, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आप यहां से भी वीडियो को देख लेंगे और पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लुसेंट का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ले लेंगे। अगर जनरल साइंस आप नहीं लेते हैं तो लुसेंट के ही इसी बुक में पीछे जनरल साइंस का भी पार्ट दिया हुआ है, आप वहां से ही उसे देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए ल्यूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की आती है। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वाली लेकर इस पूरे ऑब्जेक्टिव को आपको लगाना है। इस बुक को पढ़ने के बाद जैसे कि आप कोई हड़प्पा सभ्यता पढ़े, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े, तो इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर निकालेंगे और उसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे और क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन पुख्ता होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। जैसे कि आपने किसी भी चैप्टर को उठा लिया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य उठा लिया, तो मौर्यन एम्पायर को आपने आप इस चैप्टर, इस बुक से उठाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर लुसेंट कंप्लीट कराया जाएगा, कल से वीडियो लुसेंट का आने लगेगा। आप अगर GD के अभ्यर्थी हैं या फिर किसी भी एग्जाम के, आप GD कर रहे हैं, SSC CGL CHSL, तो भी आप या तक कि BPSC या JPSC के भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जो करते हैं
लुसेंट को पढ़कर जाते हैं, लुसेंट को ही पढ़कर जाते हैं। तो आप इस तरह से इस लुसेंट को कम मत आकिए, पूरा का पूरा लुसेंट पढ़ के इस ऑब्जेक्टिव वाले बुक को लगा लेंगे। ये पूरी लुसेंट वाली, मतलब जो सब्जेक्टिव वाली है और ऑब्जेक्टिव वाली, पूरी की पूरी लुसेंट का कंटेंट आप लोगों के लिए चैनल पर लाया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, कल से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप देख कर कल से ही एक कॉपी बनाएं, और या फिर आप पूरे एक लुसेंट के बुक ले लें और हमारे चैनल से सुन ले और देख ले, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा जीके जीएस। और करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी आप करेंट अफेयर्स के लिए डेली क्या करना है, 10 से 12 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से जाएं और 10 से 12 करेंट अफेयर्स डेली एक कॉपी में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो क्या करें, देखकर उसे नोट डाउन कर ले, पेन डाउन कर ले। तो क्या होगा, आप डेली करेंट अफेयर्स किसी भी यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का करेंट अफेयर्स डेली अपलोड किया जाता है, आप वहाँ से करेंट अफेयर्स को जरूर देखें, ठीक है। तो आपके करेंट अफेयर्स की दिक्कतें दूर हो जाएगी और आप हमारे चैनल पर करेंट अफेयर्स के लिए पूरे तरह से निर्भर हो सकते हैं, यहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स एक तो डेली आएगा ही और मंथली भी आप लोगों के लिए पूरे इस पूरे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 6 मंथ का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स, जैसे कि बुक्स हो गया, डेट्स हो गया, थीम हो गया, अवार्ड्स, ऑनर्स हो गया, एप्स, पोर्टल, तो बहुत सारे जितने भी कंप्लीट टॉपिक वाइज है वो भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप वहाँ से देख कर करेंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। अब आती है बात हिंदी और इंग्लिश की, जो कि 25 मार्क्स का कंबाइंड पूछा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप अगर आपके पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स है तो आप वहाँ से भी उसे देखकर पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक लुसेंट की सामान्य हिंदी वाली बुक आती है इसको लेकर हिंदी के पाठ को कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एस चंद की एक ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी की बुक आती है इसको लगा लेंगे। इतना करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, आपका सफल तो होंगे, आपका रैंक बहुत ज़्यादा आएगा। आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 80+ जा रहा है, तो इसको अगर आपको पार करना है तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी होगी और अच्छी पढ़ाई करनी होगी। तो हिंदी के लिए अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स है तो वहाँ से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए और किसी ऑब्जेक्टिव बुक को ले लें, आपको जो अच्छा लगे वो ले ले। मैं जो बता रहा हूं अपने तरफ से बता रहा हूं, ये भी लेकर आप 100% गारंटीड सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश के लिए एक नीतू मैम की एक बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाइंड जनरल कंपटीशन की वॉल्यूम 1 वाली, वो आप लेकर इंग्लिश को ग्रामर हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख ले। और एक रुक्मिनी प्रकाशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आती है, उससे क्या करेंगे आप एसएससी के सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आप यहां से देख लेंगे। तो ये दोनों बुक लेकर इंग्लिश और हिंदी, इस इन बुक्स को लेकर इंग्लिश हिंदी आप कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये तो हो गई पूरे बुक्स के बारे में, जीके जीएस के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है और इंग्लिश हिंदी के लिए क्या करना है। तो आप करेंगे क्या, जो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप बुक्स को, जितने बुक्स मैंने बताए हैं उन बुक्स को पढ़ें, फिर उसके बाद हमारे चैनल पर जो लुसेंट का कंप्लीट वीडियो आएगा उस वीडियोज़ का समझने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं। कम समय में पूरे के पूरे कंप्लीट लुसेंट को आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको भी आप लेकर उसके क्वेश्चन बैंक देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक टेस्ट दिए आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। और प्रैक्टिस क्या करना है, एक ज़्यादा बुक को नहीं, मैंने जितना बुक बोला है उसमें आपको ऑप्शन भी दिया है, आप उन बुक्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सफलता का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये, मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। इन सब क्या करूँगा कि आपके लिए और भी बहुत सारे एसएससी जीडी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। पूरे सिलेबस की पढ़ाई यहाँ पर कराने के लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दूँगा, जीके से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। आप हमारे ऊपर निर्भर हो सकते हैं, 100% गारंटीड अच्छी कंटेंट आपको मिलेंगी। आपको अगर ये एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बुक लिस्ट की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप हमको सपोर्ट करेंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने की और आपके सफलता में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की। तो धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक आप सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे।